नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कवि शायर, मैं कवि जगजीवन मिश्र आ रहा हूँ आइडिया पे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, मैं डॉक्टर मनु दीक्षित ढेर सारी कविताएं लेकर के 15 अगस्त के अवसर पर देखना न भूलें आपके पसंदीदा चैनल आई इंडिया पर 15 अगस्त को देखना न भूलें। स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने हम आ रहे हैं सिर्फ आई इंडिया पर, तो देखना न भूलेगा जश्न आजादी 15 अगस्त को आई इंडिया पर। जी हाँ, सीतापुर से भाजपा के सांसद राजेश वर्मा ने सूबे के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री केशव प्रसाद मौर्य से सीतापुर शहर में नेपालापुर चौराहे से रेलवे क्रॉसिंग होते हुए बस स्टेशन फोर लेन मार्ग को चौड़ीकरण और शुद्धिकरण कराने की मांग की है। पहले हम आपको जरा सी बरसात होने के बाद ये मार्ग कैसे तालाब में तब्दील हो जाता है और सड़क में हो गए 2 फीट तक के गड्ढों में वाहन कैसे पलटते पलटते बचते हैं, इसको दिखाते हैं। कुछ दिन पहले आई इंडिया के कैमरे में जो नजारा कैद हुआ वो गड्ढा मुक्त सड़क का नारा देने वाली सरकार को ही मुचड़ाता नजर आया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि शहर के अंदर तालाब और गड्ढे के रूप में तब्दील हो चुके इस मार्ग को सही करवाने में नगरपालिका, जनप्रतिनिधियों की निधियां और जिला प्रशासन की विकास निधि कोई काम नहीं आ सकी। ऐसे में सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा को सूबे के लोक निर्माण मंत्री से सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कराने की अत्यंत आवश्यकता होने की गुहार लगानी पड़ी। लोक निर्माण मंत्री को लिखे गए पत्र में सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा ने यह भी मांग की है कि सीतापुर शहर में नेपालापुर चौराहा से रेलवे क्रॉसिंग होते हुए बस स्टेशन फोर लाइन मार्ग के आसपास जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण अक्सर मार्ग पर जल भरा रहता है और मार्ग प्रायः क्षतिग्रस्त होता है एवं दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। साथ इस मार्ग पर यातायात घनत्व तो अधिक होने के कारण ट्रैफिक जाम होने की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। लिहाजा इस मार्ग पर विटुमिनस कार्य न कराकर सीसी मार्ग का कार्य कराने की स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए। इस पत्र के बाद उम्मीद जगी है कि अगली बरसात में इस मार्ग पर गुजरने वाले लोगों को शायद कीचड़ और पानी के बीच होकर गुजरने से राहत मिल जाए।